हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है और आपको एमएस वर्ड के पार्ट 12 वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने इंसर्ट टैब के अंदर जो यहाँ पे लिंक्स ग्रुप है इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम कमेंट्स और हेडर एंड फुटर ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कमेंट ग्रुप के अंदर एक ही कमांड है और वो है कमेंट कमांड। इसको यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर कमेंट्स लगा सकते हैं। हम चाहे तो एक वर्ड को या एक लाइन को या एक पूरे पैराग्राफ को भी कमेंट लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मुझे इस वर्ड को कमेंट डालना है तो मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं कमेंट ग्रुप में इस कमेंट कमांड के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर कमेंट डालने के लिए एक ऑप्शन आ चुका है। हम यहाँ पर अपना कमेंट लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पावरफुल का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रांग। सो इस तरह से हम किसी भी वर्ड को कमेंट डाल सकते हैं। दोस्तों, अब अगर कोई आके यहाँ पे चेक करता है तो ये डायरेक्टली इस वर्ड को पॉइंट करेगा। दोस्तों, और दोस्तों अब चलिए मैं एक पूरे लाइन को सिलेक्ट करके कमेंट डाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैंने ये लाइन को सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं कमेंट ग्रुप में कमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा लाइन अभी हाईलाइट हुआ है और हम यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा रीड दिस लाइन। तो इस तरह से हम एक लाइन को कमेंट दे सकते हैं और दोस्तों हम एक पूरे पैराग्राफ को भी कमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद कमेंट ग्रुप में जाके मैं यहाँ पर कमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए, अब यहाँ पर मैं जो भी कमेंट देता हूँ ये पूरे पैराग्राफ को अप्लाई होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस पैराग्राफ इज वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम एक वर्ड को, एक लाइन को और एक पूरे पैराग्राफ को कमेंट दे सकते हैं। अगर दोस्तों हम एक कमेंट से दूसरे कमेंट को मूव करना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए, अब हम दूसरे कमेंट पर आ चुके हैं और फिर से हम यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके अगर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो देखिए हम इस कमेंट में अब आ चुके हैं। अगर यदि हमें ये कमेंट को डिलीट करना है तो हमें राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे डिलीट प्रेस करना होगा। दोस्तों, देखिए ये कमेंट अभी डिलीट हो चुका है। फिलहाल मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। सो दोस्तों, ये था इस कमेंट ग्रुप का यूज़। दोस्तों, नेक्स्ट हम जाएंगे हेडर एंड फुटर ग्रुप में और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है हेडर। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं, हम अगर किसी भी पेज की बात करें तो देखिए यहाँ ऊपर थोड़ी जगह हमेशा खाली रहती है और उसी पेज में नीचे भी थोड़ी जगह यहाँ पे खाली रहती है। दोस्तों, इसे कहते हैं हम हेडर और फुटर सेक्शन। ये है हेडर सेक्शन क्योंकि ये ऊपर है और नीचे का जो सेक्शन है उसे हम फुटर सेक्शन कहते हैं। दोस्तों, ये सभी पेजेस में होता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, ये हेडर और फुटर की जगह सभी पेजेस पर होती है। हम वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने एक पेज में हेडर लिख दिया तो वो हेडर सभी पेजेस में आपको दिखाई देगा। दोस्तों, अलग अलग पेजों में आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे हेडर कमांड के ऊपर जो एरो मार्क है उसके ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए, हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हेडर स्टाइल्स मिल जाते हैं। हम इनमें से कौन सा भी एक हेडर स्टाइल चूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं अभी ये पहला वाला सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, क्लिक करते ही यहाँ पे हेडर सेक्शन एक्टिव हो चुका है और हमारा मेन पेज जो है वो अभी इनएक्टिव हो चुका है। हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर 1 और ये है मेरा हेडर। इसको लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मेरे जो मेन पेज है उस पर आके दो बार क्लिक करता हूँ, यानी मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। देखिए, डबल क्लिक करने के बाद ये जो हेडर पार्ट है ये अभी इनएक्टिव हुआ है और हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट पार्ट है वो अभी एक्टिव हुआ है। दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पे एक ही पेज में हेडर दिया है और ये हेडर सभी पेजेस में ऐसे ही आ जाएगा। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरे पेज में भी ये आ चुका है और नेक्स्ट पेज को चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी आया है। इसी तरह से दोस्तों, ये जो हेडर हमने दिया था सभी पेजेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इस तरह से हम इस हेडर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको इस हेडर को रिमूव करना है तो आप लोग फिर हेडर में जाइएगा
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा नीचे आ जाइए और यहाँ आपको रिमूव हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। देखिए मैं अभी रिमूव करके दिखाता हूँ आपको, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों अभी हेडर रिमूव हो चुका है, मतलब ये सभी पेजों से हेडर रिमूव कर देगा। हेडर में कई प्रकार के हेडर होते हैं दोस्तों, ये जो मैंने पहला वाला दिया था ये सिर्फ लेफ्ट साइड में आता है, और ये जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारे हेडर के तीनों सेक्शन में आएंगे। जैसे कि मैं देखिए क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं दोस्तों। फिलहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ जाके हेडर रिमूव कर दूँगा। और हम दोस्तों कलरफुल हेडर भी लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर बैंडेड हेडर्स भी होते हैं। देखिए कई प्रकार के हेडर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं दोस्तों इस हेडर की बात करूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल बोल के यहाँ पे और एक हेडर आ जाता है। बाद में हमें मेन डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करना होगा तो ये अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पेज में भी देखते हैं, देखिए सेम हेडर यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। देखिए सभी पेजेस में ये आपको दिखाई देगा दोस्तों। दोस्तों इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हेडर्स की बात, अब हम फुटर लगा के देखेंगे। फिलहाल मैं इस हेडर को अभी रिमूव करता हूँ। चलिए अब फुटर तक चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा पेज का फुटर, और मैं यहाँ जाके आपको डिफरेंट डिफरेंट फुटर लगा के दिखाता हूँ। फिलहाल मैं अभी ये फुटर लगाऊंगा, यहाँ पे मुझे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए क्लिक करते ही यहाँ पे फुटर का सेक्शन एक्टिव हो चुका है और हमारा मेन सेक्शन इनएक्टिव हो चुका है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं मेरे मेन डॉक्यूमेंट सेक्शन में डबल क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब ये अप्लाई हो चुका है। हम दूसरे पेजेस पर भी जाके देखेंगे। देखिए फुटर सेक्शन में हमारा फुटर अभी आ चुका है। दोस्तों इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में फुटर्स लगा सकते हैं। और यदि हमें उसको रिमूव करना है तो हमें इसी कमांड के ऊपर जाके रिमूव फुटर के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको रिमूव करना होगा दोस्तों। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा फुटर रिमूव हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फुटर अभी गायब है। सो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को डाल सकते हैं दोस्तों। फुटर में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के फुटर मिल जाएंगे। देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के फुटर यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनमें से कौन सा भी सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही यहाँ पर फुटर आ चुका है। हम चाहे तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर लिखता हूँ MS Word। सो इस तरह से हम फुटर को लगा के मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए सभी पेजेस में आपको ये दिखाई देगा दोस्तों। दोस्तों इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर या फिर दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस फुटर को रिमूव कर देता हूँ। और दोस्तों ये था हेडर और फुटर का यूज़। और दोस्तों अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स और भी चाहते हैं तो आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे मोर हेडर फ्रॉम office.com का ऑप्शन है, आप इस पे जाके और भी स्टाइल्स के हेडर या फुटर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के हेडर और भी डाउनलोड हो जाएंगे। और फुटर आपको चाहिए तो फुटर सेक्शन में भी जाके आप मोर फुटर फ्रॉम office.com से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये था इन ऑप्शन का यूज़। और नेक्स्ट हम जाएंगे पेज नंबर के ऑप्शन पर। दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंट में पेज नंबर्स भी डालना ज़रूरी होता है, हम इस ऑप्शन को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पेज नंबर के कमांड पर क्लिक करते हैं। देखिए मोर ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को किस पोजिशन में लगाना चाहते हैं। देखिए पहला वाला ऑप्शन है टॉप ऑफ द पेज, इसका मतलब आप अपने पेज के टॉप में पेज नंबर डाल सकते हैं। टॉप में भी आप चाहे टॉप लेफ्ट में डाल सकते हो, या फिर टॉप सेंटर में डाल सकते हो, या फिर टॉप राइट कॉर्नर में आप अपने पेज नंबर को डाल सकते हो। इसी तरह टॉप में डालने के लिए भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे।
चलिए मैं आपको एक पोजीशन में लगा के दिखाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए अब हमारा पेज नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। दोस्तों ये पेज नंबर भी हमारे हेडर फुटर सेक्शन में ही आ जाता है, इसलिए हमें पेज नंबर लगाने के बाद अपने मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करना है। देखिए डबल क्लिक करते हैं, हमारा मेन डॉक्यूमेंट एक्टिव हो गया और पेज नंबर इनएक्टिव हो गया। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, पेज नंबर यहाँ पे एक है और आप दूसरे पेज पे देखेंगे तो वहाँ पे दो हो जाएगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है। दोस्तों देखिए इसी तरह से सभी पेजेस को पेज नंबर मिल जाता है। और यदि हमें इस पेज नंबर को रिमूव करना है तो हमें उस पेज नंबर के ऑप्शन पर ही जाना होगा और यहाँ पर रिमूव पेज नंबर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों देखिए अब हमारा पेज नंबर रिमूव हो चुका है सभी पेजों से। इस तरह से हम पेज नंबर को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों ये था पेज नंबर में पहला ऑप्शन टॉप ऑफ द पेज का यूज़। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अपने पेज के बॉटम में कैसे हम पेज नंबर लगा सकते हैं। इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको अपने पेज में बॉटम सेक्शन में पेज नंबर डालने के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको खुल जाएंगे। दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर भी आपको एक पेज नंबर का ऑप्शन यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं फ़िलहाल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा पेज नंबर अभी इस पेज के नीचे आ चुका है, यानी फुटर सेक्शन में आ चुका है। इसका मतलब ये पेज नंबर हमारे सभी पेजेस में फुटर सेक्शन में ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है, इसी तरह से सभी पेजेस में हमारा पेज नंबर दिख जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम हमारे डॉक्यूमेंट में पेज के ऊपर या पेज के नीचे सेक्शन में पेज नंबर डाल के देख सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये पेज मार्जिन्स का ऑप्शन है, इसका मतलब आप पेज मार्जिन में भी अपना पेज नंबर दे सकते हो। जैसे कि मैं एक ऑप्शन आपको करके दिखाता हूँ, देखिए मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा पेज नंबर अभी मार्जिन साइड में आ चुका है, यानी कि राइट मार्जिन में ये हमारा पेज नंबर अभी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये सभी पेजेस में भी दिखाई देगा। दोस्तों देखिए दोस्तों इस तरह से हम अपना पेज नंबर को मार्जिन में भी इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये करंट पोजीशन का ऑप्शन, इसका मतलब आप जहाँ पे कर्सर रख के इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका पेज नंबर वहीं पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिलहाल मैं भी इस पावरफुल वर्ड के सामने कर्सर रखता हूँ और मैं इस पेज नंबर कमांड पर जाके करंट पोजिशन के ऊपर पहला ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मेरा पेज नंबर यहीं पे आ चुका है। दोस्तों ये है इस ऑप्शन का यूज़। और आप यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ये है फॉर्मेट पेज नंबर का ऑप्शन। हम यहाँ पे जाके पेज नंबर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 है और यहाँ जाके आप लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप ABC ले सकते हैं या फिर कैपिटल ABC भी ले सकते हैं या फिर आप रोमन फिगर्स भी ले सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था ये हेडर एंड फुटर ग्रुप का यूज़। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पायरेटेड MS Office वर्शन के सॉफ्टवेयर को आप लोग यूज़ मत कीजिएगा। आप इसके जेन्युइन वर्शन के DVD को ऑनलाइन में परचेस करके इंस्टॉल करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करने से आपको कोई लीगल इश्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इसके लीगल वर्जन को ऑनलाइन से डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिंक दे दूंगा, जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट का, आप वहां जाके इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।